मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी महिला तकरार निवारण संगठना की सदरों सोशल वर्कर महरूम निशा अशफाक अहमद आप लोगों से तमाम मेरी बहनें माएँ बेटियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग बिला ज़रूरत बिल्कुल घर से ना निकलें। अपने घर के जो बेटे भाई मर्द हजरात हैं उनकी भी आप हिफाजत कीजिए, क्योंकि आप अगर बाहर निकलते हैं तो हम इस जंजीर जो जंजीर बनी हुई है कोरोना वायरस जैसी जंजीर बनी हुई है इसको तोड़ने में हम लोग मदद कर सकते हैं। घर में बैठकर एहतियात से बैठकर इसको डिस्टेंस बनाकर घर में भी रहिए, बाहर निकलिए तो आप मास्क को लगाकर निकलिए, हाथ साबुन से अच्छी तरह धोइए और सैनिटाइज़र से हाथ को अच्छी तरह हाथ पर अच्छी तरह लगा लीजिए और हिफाजत से बाहर निकलिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही बाहर निकलिए। घर की ज़रूरत के लिए अगर निकलना भी पड़ता है तो फौरन जितनी ज़रूरत है उतने काम करने के फौरन बाद घर में वापस आ जाइए। घर में आने के फौरन बाद हाथ अच्छी तरह फिर साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र लगाइए, घर में डिस्टेंस रखिए, फासले से रहिए, एहतियात से रहिए। अगर हम एहतियात से नहीं रहते हैं तो आप देखिए कि जिस तरह से जिन मुल्कों ने इस बीमारी के लिए अपने आप को एहतियात नहीं बरता, अपने आप को मातहत नहीं किया, आज वो लोग बिल्कुल मजबूर और लाचार हो चुके हैं और वो लोग जो इस बीमारी को के आगे बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। हम लोग तमाम मेरी माओं बहनों बेटियों से मैं गुजारिश करूंगी कि अपने घर में एहतियात से रहिए और इस जंजीर को तोड़ने में हमको मदद कर लीजिए कि हम लोग भी इस देश के एक अच्छे शहरी हैं और इस देश में इस जंजीर को तोड़ने में हमें मदद करना है। आप लोग को मालूम है कि ये जो वायरस है ये खुद नहीं घूमता है बल्कि हम इसे घुमाते हैं। अगर हम ठहर जाते हैं तो वो वायरस ठहर जाता है, अगर वायरस ठहर जाएगा तो वो मर जाएगा और हमको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर किसी को खुदा न खास्ता ये बीमारी होती है तो जिस तरह से हिदायत हो उस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह वो बीमारी से आप ठीक हो जाएंगे। आप लोग इस बीमारी से एहतियात बरतिए, इंशाल्लाह आपको ये बीमारी नहीं होगी। घर में रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया।